जो तोरा रहो प्रेम तू घर से निकल जेती जो तू घर में अपना घर में देखबह तो देखल जेतो बियाहल के उस रात जो है आरती और छोटू आपत्तिजनक स्थिति में हाँ पकड़ लेके हमर पता अपनी दादी कह रही है कि आरती और छोटू आपत्तिजनक स्थिति में पकड़े गलत बात है एक गलत बात बारे में आप बार बार कह रहे हैं कि वो निर्दोष है जी वो निर्दोष है लेकिन दादी भी आपके अगेंस्ट में कह रही है कि जो है आरती झूठ बोल रही है आरती बिन वो कुछ भी करे वो कुछ भी करे हमको उससे कोई जरूरत नहीं है लेकिन वो निर्दोष है। दादी उस रात क्या हुआ था जब छोटू की हत्या हुई उस रात लगातार ये कहा जा रहा है कि आरती की भाभी फोन करके बुलाई थी नहीं फोन नहीं हमारे पुत्र फोन नहीं की थी आपने नहीं करे ककरो से नहीं करे अच्छा कुछ लोग ये भी कह रहे हैं उनके पास फोन भी नहीं था नहीं आरती की भाभी के पास फोन नहीं था नहीं था हमारे पोता के हमारे बेटा का फोन आरती के अच्छा तो आरती झूठ बोल रही है क्या झूठ बोल रहा है हमारे पोतो क्यों आखिर क्यों आरती झूठ बोलेगी झूठ बोले छे बनवा लिया धन लुटा के जो तोरा रहो प्रेम तू घर से निकल जेती घर में ककरो पकड़बे बाबू छोड़ दो तोरे आर घर में बेटी पुतो आदमी माय कोई जो घर चले तकरा छोड़ दो। दादी का ये कहना है कि रात को 2 बजे यदि आरती आपत्तिजनक स्थिति में पाई जाती है आपके घर में भी बहन बेटियां होंगी यदि आप पाएंगे तो क्या करेंगे। दादी का ऐसा कहना है कि छोड़ देंगे तो आपके घर के आपके जो बच्चे थे आपके जो घर परिवार के लोग थे क्या वाकई में छोटू को मारे थे? हमारे बेटे पोते लपड़ थप्पड़ दल को घर में का बन के दल का तला लगा एक दो थप्पड़ से तो दादी छोटू मरे नहीं घर में मार लखो तो घर में बन के दल को घर में तला लागल रहे नहीं देख लिए खुला रहती है तब नहीं जेती है घर। आपका बेटा कहाँ है दादी? जेल में छो बेटा जेल में हाँ बेटा सत्संग वो कहियो ने कोनो घटना बेटा सत्संगी था आपका हाँ पता बेटा जेल में छो। अच्छा आरती का बिहेवियर पहले कैसा था यदि आप लोग इस प्रकार का कह रहे हैं कि आरती अपने ही घर के लोगों को फंसा रही है हाँ। दादी का ऐसा कहना है कि आरती अपने ही घर के लोगों को फंसा रही है कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो आरती अपने ही माँ बाप की नहीं हुई वो किसी और की क्या होगी और तमाम जिस प्रकार से आरती ने कहा कि भाभी ने फोन किया था आपकी दादी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि फोन आपने किया था आपकी भाभी ने नहीं और आपकी भाभी के पास फोन नहीं था इसमें क्या है? वो गलत बात है मेरी फोन लेके कॉल करती थी मैके सब करती थी इससे पहले भी करती थी मेरी मोबाइल लेके की है कॉल कैसे हो सकता है कि नहीं की है गलत गलत आरोप लगा रही है। बहरहाल क्या सच है ये सब जांच का विषय है दादी का भी ऐसा कहना है। अच्छा वाकई में उस रात जो है आरती और छोटू आपत्तिजनक स्थिति पकड़ लेके उम्र पता आप कहाँ थी उस दिन? हमें वसरा पर घर में से जो पकड़ लखो न तब भाग लो दोनों टा। अच्छा वो कहाँ पकड़े गए थे? कमरा तो आपके पास 2-3 कमरा है और एक कमरा तो दरवाजा है और बाकी 2-3 कमरा खुला हुआ है हाँ। तो कमरा कौन से कमरे में? वो पछरिया पलंग पीछे, पीछे वाले पलंग पे हाँ। आरती और छोटू पकड़े गए हाँ। तब जब हमारे पोता वो पर से उतर लो तो उड़ लो बाथरूम। अच्छा बाथरूम के लिए आपका पोता निकला हुआ था तब वही में से घींच के दोनों को निकाल रखे दोनों को निकाला निकाल रखे देखे थे आप दोनों को तो आप दोनों क्या बातचीत करते हुए पकड़े गए थे या फिर कैसे? जैसे हम की उधर से हम तो मेरा एग्जाम था उस रोज हकीकत बात है जो एक भी इसमें मेरा झूठ नहीं है सारा जितना वहाँ पे बोल रहे हैं सारा वहाँ पे जो गांव का आदमी सब जो दिए बोलना नहीं चाह रहा हूँ आपकी अपनी दादी कह रही है कि आरती और छोटू आपत्तिजनक स्थिति में पकड़े गए गलत बात है एक गलत बात है। जैसे वहाँ पे हम आए थे जैसे ही आए थे वहाँ पे हम बोलने दीजिए हमको जो गलत सही बात हम बोलेंगे बोलेंगे वो हम आए वहाँ पे जैसे हम टॉयलेट करने आए थे एग्जाम था हम सोचे कि पढ़ेंगे लेकिन कॉल लगा हुआ था हम हर एक रोज बात करते थे यही सब बात नहीं है कि ऐसा कौन है कि जो प्रेम करता है बात करते हम कॉल लगा हुआ था जैसे आए हम सोचे कि जाते हैं बारी में यहाँ पे दादी सब जगी हुई जब बात करते हुए जाएंगे तो जग जाएगी कॉल लगाए तुरंत आए हम आए तो उसको देखे तो कॉल लगले था तब तक में तब फिर हम जो लगले था कॉल उसको जो बोले कि नहीं किए हम टॉयलेट नहीं किए तो उसको देखे जैसे खड़ा हम बोले कि आप यहाँ तो बोले कि भाभी कॉल किया हम बोले दिमाग खराब आपका दिमाग खराब हमको बोले आप हम रात में कॉल भी किए 3 बार तो रिसीव नहीं किया था तभी लेकिन किया था तो हम बोले कि दिमाग खराब आप हमको बोले तो बोले कि नहीं बोले हैं तो क्या होगा करवा ही देंगे हम बोले चलिए ठीक है आप यहाँ से चले जाइए जो हुआ हुआ चले जाइए आप यहाँ से बोले कि अरे बुलाए हैं तो बुलाएंगे ना बोले कि आप नहीं जानते हम जाते हैं आपको रहना है यहाँ रहिए हम जाते हैं इतना तो बोले तब तक हम उधर से आ गए हम जा रहे थे हाँ अन्याय देखल जैथुन तोरा इहे टा हम पोता कहै छियो अन्याय जे माय बहिन के साथ कुमार के साथ
अन्य देखल जेतो तू हमरा ईटा वचन कहो जो ककरो अन्याय जो तू अपना घर में देखबह तो देखल जेतो ब्याहल के आ कुमार के। बहुत कठिन सवाल है दादी का, ये कहना है कि यदि आप इस प्रकार की आपत्तिजनक स्थिति में किसी को पाते हैं और शादी नहीं हुआ है, कोई पराया लड़का आता है रात को 2 बजे, और इसके पहले छोटू कभी आता था घर पे? ना हम कभी नहीं देखलिए, कभी नहीं, कभी देखतिए तो ये घटना हुए देतिए हम, तब तक बोल लेतिए दोनों को बोल लेती। किस क्लास में पढ़ती थी आरती? बी ए पार्ट टू। हाँ, पढ़ा लिखा का बाप पढ़ाया लिखाया, मजदूरी खट खट के पति के पढ़ा के बेटी के कल के बाप मास्टर दमाद करवे। अच्छा, पिता का सपना था कि मास्टर किसी लड़के से, कोई लड़का जो मास्टर होगा उससे शादी करेंगे, शादी करवे, पढ़ावे था बहुत। ओकरा में पीठ फन के बाप लग गेले, बाप है से जत्ते पढ़े वो 10 टकिया में जोड़ दिल के, वह 10 टकिया में हमार बेटा जाए पोता जाए सॉन्ग, तब वो केना प्रेम जोड़ ललके, जोड़ ललके तो बाप भैया कह दिए हम प्रेम जोड़ लिए, तब बाप पूछ भैया पूछे ना क्रिया ख्याल नहीं भैया हम काम करे छे अंदर लोग के दे।